हिमालय की गोद में बसा हुआ कश्मीर अपनी मनोरम खूबसूरती के लिए पूरे विश्व भर में अपनी खास मुकाम रखता है। धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर भारत के लिए हीरा है, ये मौसम के साथ अपना रंग बदलता रहता है। कश्मीर इतना खूबसूरत है कि पूरे विश्व भर से लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने आते हैं। हम सभी का भी सपना होता है कि हम कश्मीर की वादियों का आनंद एक बार तो जरूर लें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका 1000 किलोमीटर्स में। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। आज हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको कश्मीर कैसे और कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, रहने और खाने के क्या ऑप्शंस हैं, और आपका जो कुल खर्चा इस ट्रिप में आएगा वो कितना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रीनगर के साथ साथ आसपास की जो प्लेसेस हैं जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम भी कवर करेंगे। बहुत से टूरिस्ट जो श्रीनगर ट्रिप प्लान करते हैं वो इन प्लेसेस पे भी जाना बहुत पसंद करते हैं। आप में से कुछ लोग वैष्णो देवी या अमरनाथ बाबा के दर्शन के बाद भी यहाँ घूमने आते हैं, तो अगर आपको उन प्लेसेस की वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर हमारे चैनल पेज पे मिल जाएंगी। कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों, खूबसूरत झीलें, शांत वातावरण, अनोखे उद्यान और खूबसूरत नज़ारे यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाने में पीछे नहीं हटते। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं जो ट्रैकिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग, घुड़सवारी जैसी एक्टिविटीज़ का आनंद लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के सबसे पहले भाग में बात कर लेते हैं कि आपको श्रीनगर कैसे पहुंचना है। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आप बस, प्राइवेट टैक्सी या फिर अपनी कार की मदद से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। श्रीनगर को जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जोड़ता है। इसके अलावा अगर आप बस से आते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि JKSRTC की लग्जरी और निजी डीलक्स बसें आपको आसपास के राज्यों, दिल्ली और जम्मू से डेली मिल जाएंगी। अगर दूरी की बात करें तो जम्मू से श्रीनगर की दूरी 250 किलोमीटर है और वहीं दिल्ली से श्रीनगर लगभग 800 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों, अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद कटरा से श्रीनगर आना चाहते हैं तो वहां से भी आपको डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ट्रेन का। वैसे तो श्रीनगर में रेलवे स्टेशन है पर यहाँ तक सीधी ट्रेन नहीं आती है। यहाँ आने के लिए आपको पहले जम्मू या उधमपुर तक आना होगा और उसके बाद बनिहाल शहर के लिए बस पकड़नी होगी, जिसके बाद बनिहाल के रेलवे स्टेशन से आप श्रीनगर के लिए सीधी ट्रेन ले सकते हैं। हमारी राय में बार बार बस या ट्रेन बदल कर आने से अच्छा आप अपने शहर से जम्मू तक ट्रेन से आएं और वहां से बस या टैक्सी के द्वारा श्रीनगर के लिए प्रस्थान करें। इसके बाद आखिरी ऑप्शन आता है फ्लाइट का। दोस्तों, अगर आप हवाई माध्यम से श्रीनगर आते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। श्रीनगर में ही आपको एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है जहाँ के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानें मौजूद हैं। तो आप अपने बजट और टाइम के हिसाब से इनमें से कोई सा भी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार आप श्रीनगर पहुंच गए तो इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे रुकने के ऑप्शंस की। श्रीनगर में आपको रुकने के लिए बाकी सभी शहरों की तरह होटल और होमस्टे तो मिल ही जाएंगे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप डल झील में हाउस बोट में रुकने का बहुत ही बेहतरीन अनुभव भी ले सकते हैं। ये एक्सपीरियंस आपको किसी और शहर में नहीं मिल पाएगा। अगर प्राइवेट होटल्स की बात करें तो आपको 1000 रुपये से लेकर 8 से 10 हज़ार रुपये तक के होटल और रिजॉर्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत से बजट फ्रेंडली होमस्टेज भी मिल जाएंगे। अगर आप सीजन के वक्त जाते हैं तो पहले से बुकिंग करा कर जाना फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, हमारी राय में आपको हाउस बोट के अंदर स्टे करने का अद्भुत अनुभव जरूर लेना चाहिए, इसलिए आप होटल के बजाय हाउस बोट स्टे का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हाउस बोट दरअसल डल झील के ऊपर पानी पर तैरती हुई बोट के अंदर सुंदर सुंदर घर हैं। इनमें रुकने के लिए आपका 500-1000 रुपये से ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं और अगर आप बड़े बड़े अच्छे हाउस बोट लेते हैं जिसमें बहुत से कमरे होते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। अगर खाने पीने की बात करें तो कश्मीर में आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगे और अगर आप बिना प्याज लहसुन का खाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर कोई खास परेशानी नहीं होगी। आपको यहाँ पर कश्मीरी पुलाव, कश्मीरी ग्रेवी, मोमोज, मटन,
चिकन जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा कश्मीरी कावा, जो कि एक प्रकार की चाय है, उसे पिए बिना तो आपकी कश्मीर की ट्रिप अधूरी है। कश्मीरी लोग मिठाइयों के भी बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए यहाँ पर मीठे पुलाव, घेवर और स्वादिष्ट मिठाइयों का टेस्ट लेना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर थाली सिस्टम के हिसाब से बात करें तो एक आदमी के लिए खाने पर 150 से 200 रुपए तक खर्च हो जाएंगे। दोस्तों, आप कश्मीर आने का ट्रिप बना रहे हैं तो आप ये जरूर जान लें कि आप यहाँ पर पूरे साल आ सकते हैं। हालांकि मॉनसून के महीने को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी और बहुत जगह रोड आदि बंद हो जाती हैं। इसके अलावा गर्मियों का मौसम यहाँ आने के लिए सुखद रहता है। इसमें आप अपने शहरों की चिलचिलाती गर्मी से बचते हुए कश्मीर की ठंड में बहुत ही रोमांचक और सुंदर समय व्यतीत कर सकते हैं। इस वक्त भी आपको यहाँ पर ऊंची प्लेसेस पर स्नो देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले सेक्शन में बात कर लेते हैं कश्मीर में घूमने की कौन कौन सी प्लेसेस हैं और आपकी कितने दिन की ट्रिप आइटनरी होनी चाहिए। श्रीनगर का नाम सुनते ही सबके मन में डल झील का नाम याद आता है। ये झील और इसके आसपास के हिमालय का खूबसूरत नज़ारा आपको बहुत मनमोहित करता है। इस झील में आप शिकारा राइड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर अनुभव रहता है। यहाँ का फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट, यानी कि पानी पे तैरता हुआ मार्केट, पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। इसलिए जब भी आप श्रीनगर जाएं, सबसे पहले यहाँ विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलें। इसके बाद आप यहाँ के शालीमार बाग जा सकते हैं। 31 एकड़ जमीन में फैला शालीमार बाग श्रीनगर के बेहतरीन मुगल गार्डनों में से एक है। इस बाग का निर्माण 1619 में मुगल बादशाह ने अपनी बेगम नूर जहां के लिए करवाया था। इस बाग के चारों तरफ चिनार के पेड़ लगाए गए हैं, जिससे इस बाग की खूबसूरती में 4 चांद लगते हैं। यहाँ पर शाम के समय तेल के दिए जलाए जाते हैं, जिनकी रोशनी से इस जगह की सुंदरता अलग ही देखने प्रतीत होती है। और साथ ही साथ यहाँ का वाटरफॉल भी इस रोशनी में बेहद खूबसूरत लगता है, तो यहाँ पर भी आप जाकर कुछ समय जरूर स्पेंड कर सकते हैं। श्रीनगर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए यहाँ की अगली प्लेस है परी महल। यह महल चश्मे शाही बाग के ऊपरी हिस्से में स्थित है, जिसे 17वीं सदी में बनवाया गया था। इस महल को मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर, लॉन, गार्डन और बहुत से फूल और फलों के पेड़ देखने को मिलेंगे, तो यहाँ जाकर ठंडी ठंडी हवाओं के बीच ये एक्सपीरियंस लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, कश्मीर में डल झील के अलावा एक और झील है जो सैलानियों के बीच काफी प्रसिद्ध है। इसका नाम है वुलर लेक। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसका पानी बेहद ही ताजा होता है। आपको यहाँ पर मछलियों और पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप वाटर गेम्स के शौकीन हैं, तो उसका भी आप यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं। आपका श्रीनगर का ट्रिप इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन देखे बिना अधूरा रहता है। यहाँ आकर आप फूलों की जन्नत में होने का अनुभव करेंगे। डल झील के किनारे मौजूद और जबरवार पर्वत पर स्थित ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। करीब 75 एकड़ में फैली इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भारत ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इसके बाद आप कश्मीर के दूसरे सबसे बड़े मुगल बाग, यानी कि निशांत बाग जा सकते हैं। यहाँ पर आप कश्मीरी पारंपरिक ड्रेस पहनकर फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। दोस्तों, ये पार्क सीढ़ीनुमा डिजाइन में बनाया गया है, जिसको घूमते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाम के वक्त आप श्रीनगर की मार्केट्स में घूम सकते हैं। यहाँ का लाल चौक, रघुनाथ बाजार आदि काफी फेमस है। यदि आप शॉपिंग के शौकीन हैं, तो यहाँ के लाल चौक मार्केट में आपको कश्मीरी शॉल, कश्मीरी सेब, बादाम और अखरोट वगैरह खरीदना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये था श्रीनगर लोकल प्लेसेस घूमने का प्लान, जो कि 2 दिन में आराम से हो जाएगा। ये इस बात को ध्यान में रखकर बनाया है कि पहले दिन तो आपका आधा दिन श्रीनगर पहुंचने में और होटल या हाउस बोट में चेक इन करने में ही निकल जाएगा।
तीसरे दिन आप गुलमर्ग के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। ये श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। दिसंबर जनवरी के महीनों में यहाँ बहुत भारी बर्फबारी होती है। गुलमर्ग अच्छी खासी स्नोफॉल होने के कारण यहाँ की स्नो एक्टिविटीज के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप माउंटेन बाइकिंग, स्कीइंग और स्लेज राइडिंग का मजा ले सकते हैं। अगर आप कपल हैं या आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ आए हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छी प्लेस हो सकती है। यहाँ पर आपको पूरे साल स्नो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप रोपवे की मदद से पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं, जिसका जाने और आने का किराया 750 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। ऊपर जाने के बाद वहां से आपको कश्मीर घाटी का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर स्नो एक्टिविटीज की प्राइसिंग की बात करें तो स्नो मोबाइल चलाने का किराया 1500 रुपये से शुरू हो जाता है और वहीं स्कीइंग के लिए आपको 500 से 1000 रुपये तक चुकाने पड़ते हैं। ये सभी किराए सीजन के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो गुलमर्ग में स्नो एक्टिविटीज और स्नोफॉल का मजा लेते हुए वहीं पर ही होटल या रिजॉर्ट में नाइट स्टे कर सकते हैं, या फिर अगर आप श्रीनगर सेम डे वापस आना चाहते हैं तो आप वापस आकर यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि गुलमर्ग में श्रीनगर के मुकाबले होटल की कीमत थोड़ी ज्यादा मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट डे आप सोनमर्ग जा सकते हैं। ये श्रीनगर से 85 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये बर्फ से भरे मैदानों, राजसी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग एक्टिविटीज और बर्फ के ऊपर स्लेज चलाने वाली एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको घुड़सवारी पसंद है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ की बर्फ से ढकी पर्वतमाला और चारों तरफ फैली हरे भरे घास के मैदानों का दृश्य लोगों के मन को मोह लेता है। सोनमर्ग में काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें कि खासकर थाजीवास ग्लेशियर है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा आप जोजिला लेक, कृष्णासर लेक, विष्णासर लेक इत्यादि जगहों पर भी घूम सकते हैं। इन सभी जगहों पर आपको बहुत ही सुंदर वैली का नजारा देखने को मिलेगा और ऐसा लगेगा कि आप प्रकृति की गोद में बैठकर इन चीजों का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को कवर करते हुए आपका 4 से 5 दिन का ट्रिप बन जाता है। अगर आपके पास एकाध दिन एक्स्ट्रा है तो आप पहलगाम भी जा सकते हैं। यहीं से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है और इसके साथ ही साथ ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर देखने योग्य जगह है। पहलगाम की खूबसूरत घने जंगल, खूबसूरत झीलें, नदियाँ, मनमोहक गगनचुंबी पर्वत, सेब के बगीचे और यहाँ के खूबसूरत बड़े बड़े घास के मैदान मानो किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि कैंपिंग, ट्रैकिंग, मछली पकड़ना, वाटर राफ्टिंग, घोड़े की सवारी आदि। पहलगाम आकर आपको बहुत ही शांत वातावरण का अनुभव होता है। यहाँ के हरे भरे मैदानों और खूबसूरत नदियों के सामने बैठकर आपको ऐसा लगेगा आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। अगर आपके पास समय है तो आप बेताब वैली और अरू वैली घूमने जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले सेक्शन में बात कर लेते हैं कि इन सभी प्लेसेस को आपको घूमना कैसे है, यानी कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा। अगर बात करें इन सभी प्लेसेस को बजट में घूमने की, तो उसके लिए आप जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा श्रीनगर लोकल आप ऑटो की मदद से भी घूम सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फिर आप बस से ट्रैवल नहीं करना चाहते तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको 4 से 5 हज़ार में श्रीनगर के आसपास की सभी प्लेसेस कवर कराकर श्रीनगर में वापस ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको अलग से इन सभी चीज़ों की बुकिंग और आइटनरी की चिंता नहीं करनी होगी। आपको कश्मीर में बहुत से ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे और अमूमन पैकेज की बात करें तो 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास ये ट्रिप आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि आपका खाना पीना, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें शामिल रहती हैं। दोस्तों, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि अगर आप पीक सीजन में आते हैं, जिस वक्त यहाँ पर बहुत भीड़ है, तो फिर आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो के आखिरी सेक्शन में बात कर लेते हैं बजट की, यानी कि पर पर्सन कॉस्ट कितना लगेगा। अगर आप पैकेज नहीं बुक करते हैं और 4 से 5 दिन का कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि श्रीनगर और आस पास की 3-4 प्लेसेस हैं, तो पर पर्सन कॉस्ट आपका 10,000 रुपये कम से कम आएगा,
जिसमें कि हमने आपके शहर से श्रीनगर पहुंचने तक के और श्रीनगर से आपके शहर वापस पहुंचने तक का किराया शामिल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आप इससे थोड़ा कम में भी यहाँ पर घूम सकते हैं। उसके लिए आपको शेयर्ड जीप, शेयर्ड टैक्सी या फिर बस का इस्तेमाल करना होगा। और रहने के मामले में आप डॉर्मेट्री या फिर होमस्टे में रह सकते हैं। इस केस में आपकी यात्रा 5-6 हज़ार रुपये में हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था कश्मीर का एक बेहतरीन टूर प्लान। इसके अलावा भी कश्मीर घाटी में और बहुत सी सुंदर जगह हैं जहाँ पर आपको ज़रूर घूमना चाहिए। उन सभी प्लेसेस को कवर करते हुए हमारे चैनल पर आगे और वीडियोस आते रहेंगे। इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी और डाउट है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट 1000 किलोमीटर्स पर आकर पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और शेयर कर दीजिएगा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो कि कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं। और इससे पहले कि आप आगे किसी और वीडियो में खो जाएं, हमारे इस चैनल को नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक यात्रा वीडियो के साथ। जय हिंद।